गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, मैंने कल कहा था कुछ बताऊंगी पर बताया नहीं। थोड़ी सी बात करते हैं ऋषिकेश के बारे में। आप तो जानते ही हैं ऋषिकेश इतना प्यारा शहर है। ऋषिकेश का मतलब अपने नाम में ही एक इम्पॉर्टेंस है, इसका एक खास महत्व है। जानते होंगे आप मतलब ऋषिकेश का अर्थ क्या होता है, बताइए। जैसे जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल पाना, यानी कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना, ऋषिकेश का अर्थ हो गया। ऐसे ही ऋषिकेश मतलब इसे विश्व की योग कैपिटल मतलब योग राजधानी कहा जाता है। आप जानते हैं विश्व की योग राजधानी, और ऊपर से ये अपने क्या बोलते हैं अपने प्राचीन मंदिरों और साहसिक खेलों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे एडवेंचर के लिए आपको कुछ भी करना है ना तो यहाँ आ जाओ। मतलब पूरी जन्नत एक जन्नत ही है ये, पूरा वर्ल्ड टूर एक तरफ, ये जन्नत एक तरफ। सच में पूरा यहाँ का टूर कर लो, जन्नत मिल गई आपको, सच में मन की शांति मिल गई। सो जनरल नॉलेज नहीं बता रही, बस बता रही कि ऋषिकेश की खासियत, वाओ इतना सुंदर है बहुत ही ज़्यादा। और पता है आपको क्या कहते हैं, जैसे ऋषिकेश केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनका जो द्वार है, प्रवेश द्वार, वो भी ऋषिकेश को माना जाता है। जानते ही होंगे आप सब, है ना। ऋषिकेश मतलब जो योग है ना, वो पहली बार अस्तित्व में कैसे आया, पहली बार अस्तित्व में वो भारत के ऋषिकेश में ही आया था, पता होगा आपको। और जैसे शिव जी, राम जी, कृष्ण जी, रैभ्य ऋषि जी, ये सबकी कथाओं से जुड़ा हुआ है ऋषिकेश, आपको पता होगा। तो रैभ्य ऋषि को आप जानते होंगे। रैभ्य ऋषि मतलब मैंने आपको बताया था, हमारी देवभूमि इतनी तपस्या करके तब जाके तपोभूमि बनी है, पता होगा आपको। सो ऋषिकेश मतलब हमारी खुद की मतलब उन्होंने, रैभ्य ऋषि जी ने इतनी तपस्या की है, कठोर तपस्या करके उन्होंने अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल पा लिया। और जब इंद्रियों पे कंट्रोल पा लिया तो उन्हें भगवान जी ने खुद दर्शन दिए। और रैभ्य ऋषि की मतलब इतनी कठोर तपस्या की थी उन्होंने यहाँ पे। सो और कई वेदों, पुराणों, मतलब इन सब में भी ना, प्राचीन वेदों, पुराणों, ग्रंथों, इन सब में भी योग के बारे में बताया गया। मैं आपको रोज़ कहती हूँ योग करिए, मतलब मैं तो प्राणायाम करती हूँ, पूरा योग तो नहीं करती पर प्राणायाम करती हूँ, दो चीज़ें। तो आप भी कुछ तो किया कीजिए, इससे मतलब बहुत ही अच्छा होता है। ऋषिकेश तो इसकी राजधानी है, आप जानते हैं, योग की, योग कैपिटल वर्ल्ड की। सो और भी यहाँ पे बहुत कुछ होता है, मतलब कई सारे ऋषियों ने इतने तपस्याएँ की हैं यहाँ पे। और जैसे गुरु वशिष्ठ जी हो गए, उनसे भी जुड़ा हुआ है ना। तो ऐसी मतलब बहुत कुछ है। और यहाँ के मतलब इनके नदियों पर जो बने पुल हैं वो इतने फेमस हैं, जानते ही होंगे आप। हाँ गाइस, याद आ गया, जैसे राम मंदिर, वो सॉरी रघुनाथ मंदिर जिसमें सियाराम जी, और लक्ष्मण मंदिर, हनुमान जी मंदिर, शत्रुघ्न मंदिर, बहुत सारे मंदिर यहाँ पर प्राचीन मंदिरों से भरा पड़ा है। शक्तिपीठ तक है, शक्तिपीठ कुंजापुरी, आप जानते होंगे कुंजापुरी, जिसमें माता सती जी का ऊपरी हिस्सा गिरा हुआ है। सो है ना, जैसे नैना देवी है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ उनकी आँखें गिरी हैं। सो ऐसे ही शाकंभरी सहारनपुर में है ना, ऐसे बहुत सारे हैं शक्तिपीठ, आप जानते ही होंगे। तो देवी सती जी के वहाँ पर ये सब शरीर के पार्ट्स गिरे हुए हैं, सो बॉडी पार्ट्स। सो देवी सती जी का मतलब वो शक्तिपीठ है। तो हमारे यहाँ पे मतलब इतना यहाँ पे भी शक्तिपीठ है एक। सो कुंजापुरी आप जानते ही होंगे, ऊपर से हाइट इसकी समुद्र तल से 1676 मीटर, इतना मतलब इतना वो है। तो जो भी शक्तिपीठ है ना, वैसे वो ऊंचाई पर ही है, सो इतना है। और त्रिवेणी घाट आप जानते होंगे, सो तो मतलब इसका रामायण महाभारत में भी इसके बारे में बताया गया है, इतना अच्छा है। यहाँ महाआरती होती है शाम के टाइम पे। इनका यहाँ का मतलब ये जो ऋषिकेश शहर है ना, हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत हिमालय, मतलब शांत हिमालय शहर है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की जलवायु एकदम मन को शांति देती है। तो त्रिवेणी घाट है जो तीन नदियों के संगम पर यहाँ पे है, तो यहाँ पे बहुत ही पवित्र माना जाता है इसे। और महाआरती भी होती है यहाँ पे शाम को, जैसे यहाँ गंगा जी आरती होती है हरिद्वार में, ऐसे ऋषिकेश में ये होती है ना, तो आपको पता ही होगा। नीलकंठ महादेव, जानते होंगे आप नीलकंठ जी के बारे में, मतलब
शिव जी ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो शिव जी ने कालकूट नाम का हलाहल विष पिया था, वो इतना भयंकर विष, तो वो उनके गले में, उन्होंने अपने गले में ही धारण कर लिया था, कंठ में, तो नीला हो गया था उनका। तो नीलकंठ महादेव आपको पता ही है ना, तो ये भी मतलब यही है, लोग सावन के महीने में वहाँ भी गंगा जल चढ़ाने जाते हैं, आपको पता कितनी भीड़ होती है वहाँ, बहुत ही। सो इतनी फेमस जगह है यहाँ पे भूतनाथ मंदिर, जब पता होगा आपको, जो तीनों तरफ से राजा जी नेशनल पार्क से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ ऋषिकेश शहर दिखाई देता है, उसका इतना सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, भूतनाथ टेम्पल है ना, तो मतलब ये मणिकूट पर्वत पर। सो मतलब यहाँ पे है, क्या कहते हैं, जैसे भूतनाथ टेम्पल है, शिव जी की बारात, जब सती जी से विवाह होने वाला था, देवी सती से, तो शिव जी की बारात आई थी, आपको पता होगा शिव जी की बारात आई थी है ना, तो वो यहीं पे भूतनाथ टेम्पल यहीं पे रुकी थी, फिर बाद में जैसे मंदिर बनाया गया, एक ट्रस्ट ने बनवाया था बाद में 1952 के बाद, मतलब 52 पे, तो ये इस मंदिर का निर्माण कराया गया था यहीं पे, जब हरिद्वार आ रहे थे सती जी, देवी सती जी से विवाह करने, तो यहीं पे उनकी बारात रुकी थी, सारे देवी देवता भूत प्रेत जो भी थे उनके गण, तो यहीं पे रुके थे, आपको पता होगा भूतनाथ टेम्पल। और भी बहुत कुछ है यार, बीटल्स आश्रम पता ही होगा आपको, बीटल्स आश्रम के बारे में, मतलब इसे 84 कुटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी चट्टान पर है एक, तो इस आश्रम में तो मतलब बीटल्स बैंड है जो, उन्होंने भी ध्यान किया था, मैं बोलती हूँ आपको मैं ध्यान करती हूँ, 10 मिनट तो मेरा रोज का है, वो तो मैं करती हूँ। सो ये मतलब उन्होंने यहाँ पे ध्यान किया था, किसी को मन की शांति चाहिए ना, कोई डिप्रेशन में है, कोई परेशान है, दुखी हो चुका है, कोई मरने की सोच रहा है, तो ऋषिकेश जाओ, इंजॉय करो, और वैसे भी कोई हैप्पी भी है, बहुत खुश है, तो भी एक बार ऋषिकेश का टूर ज़रूर करो। मतलब मैं यहाँ की तारीफ़ नहीं कर रही है, खुद ही अपने आप में तारीफ़ काबिल है, इतना अच्छा है, क्या ही बताऊँ, मतलब वर्ल्ड टूर हो जाता है आपका। सो शिवपुरी जगह जहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है ना, और जंगल की सैर, पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग, तो आप कैंपिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग है, नीलगढ़ वाटरफॉल आपको पता ही होगा, वो भी मतलब जंगलों के अंदर इतना 1 किलोमीटर वो चल के जाना, फिर नीचे चट्टान से नीचे उतरना, ये नीलगढ़ वाटरफॉल इतना सुंदर है ना, आप हकीकत में देखेंगे, मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी वीडियो ही देखी है उसकी वैसे, सो मतलब इतना सुंदर हकीकत में देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड टूर, एक तरह आपने ऋषिकेश देख लिया, आप मतलब बहुत ही वो अलग, एक अलग ही फीलिंग होगी। सो आश्रम भी बहुत सारे हैं यहाँ पे ध्यान करने के लिए, हर चीज़ के लिए, मतलब मन की शांति मिलती है, एक अलग ही वो है यहाँ की फीलिंग। सो मतलब बहुत ही कुछ है, आप मतलब रिवर राफ्टिंग वगैरह ये कर सकते हैं, और 83 मीटर की हाइट पे बंजी जंपिंग, ऋषिकेश का सबसे बड़ा, बल्कि भारत का ही लगा लो, बंजी जंपिंग कराई जाती है यहाँ से, बंजी जंपिंग हाइट्स आपको पता ही होगा, बंजी जंपिंग कराई जाती है, मैं तो नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है लेकिन हाँ एडवेंचरस की यहाँ पे बहुत चीज़ है, प्राचीन मंदिर है, सिद्ध पीठ मंदिर है, इतनी सारी पवित्र स्थान है, पूरा ऋषिकेश घूमने के लिए भी, मंदिरों के दर्शन करने के लिए भी, और मतलब एक जन्नत है, बहुत ही प्यारा। सो आइए कभी ऋषिकेश घूमिए, जैसे हरिद्वार आए तो ऋषिकेश भी घूमिएगा, एक आपको मतलब बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, और ऐसा भी नहीं है ज़्यादा बजट में होगा, बहुत ही अच्छा, अलग ही वो है इसकी फीलिंग, आप ना जब आएंगे ना खुद फील करेंगे, मैं खुद जाना चाहती हूँ, मैं भी नहीं गई, मैं तो देख के ही मुझे इतना अच्छा लगता है कि मतलब आप ये सोच रहे होंगे मैं खुद नहीं गई हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, देखिए सच्ची में आप वर्ल्ड टूर कर लेंगे ना तो भी आपको यहाँ आएंगे, यहाँ के मतलब यहाँ देखेंगे ना आप, यहाँ की पूरी सैर कर लेंगे अच्छे से, सारे एडवेंचरस मतलब जो भी साहसिक खेल है, इतने टूरिस्ट प्लेस है ये अपने आप में, इतना अच्छा, हर तरह के टूरिस्ट के लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ, कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ है, सब कुछ, प्राचीन मंदिर, हर चीज़ है यार, किसी चीज़ की कमी नहीं, मतलब पूरा एवरीथिंग, सो मतलब बहुत ही अच्छा है, आप कभी आइए घूमिए, अपने मन को शांति दीजिए, इंजॉय कीजिए, और अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर, और मुझे भी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊंगी, मेरे हस्बैंड ले जाएंगे तो
जरूर जाऊंगी, क्योंकि अकेले क्या करूंगी मैं वहां जाके, बताओ। मुझे कौन सा टेंशन हो रही है जो मैं अकेले वहां जाके बैठ जाऊं। लेकिन हाँ, मतलब जिसको कोई परेशान है अभी लाइफ में, टेंशन है, तो वहाँ रहो, जाओ घूमो फिरो, अपना इंजॉय करो। और भी वैसे भी आप वैसे भी इंजॉय के लिए जा सकते हैं, जैसे दिल्ली में आप वाओ में जाते हैं, तो वहाँ जाइए यार, वो तो नेचुरल है, वहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं है, और बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा लगता है हर चीज़ के लिए, एकदम परफेक्ट है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ऋषिकेश के लिए? तो कभी जाइएगा, ज़रूर घूमिए और इंजॉय कीजिए, मुझे भी बताइएगा, ठीक है? और अगर बोर हो गए तो सॉरी। ठीक है गाइस, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं कल सुबह।